बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश वी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 प्रोनाउंस कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेड 6 तक बहुत क्लियरली पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, एडजेक्टिव में बच्चों बेसिकली वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो किसी भी बेसिकली, ठीक है, जो किसी भी चीज़ की, शख्स की, ठीक है, या जगह की, खूबी या खामी को जाहिर कर रहे होते हैं, यानी किसी की क्वालिटी, ठीक है, किसी की जो है ना वो खासियत वगैरह उसमें बयान की जाती है। ठीक है, फिर आगे एडजेक्टिव की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा, मैंने आपको प्रोनाउंस की जो डिफरेंट काइंड्स करवाई हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एडजेक्टिव की भी डिफरेंट काइंड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। पेज नंबर है मेरे पास 12, एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास है लेट्स रिमेंबर। जैसे प्रीवियस यूनिट में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज जो है वो आपको स्टार्टिंग में एक टेस्टिंग एक्सरसाइज दी जाती है, जहाँ कि आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्सरसाइज ए है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। Ralph is a Swede who is married to a French citizen. ठीक है, अब इसमें स्वीड एंड फ्रेंच जो है ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है विच पेन इज योर्स, विच इज एन एडजेक्टिव। आई हैव अ फ्यू टिकट स्टिल लेफ्ट विद मी, आ फ्यू एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। शी केम अप विद यूनिक ड्रेसेस, दे आर यूनिक इज एडजेक्टिव। We have about 20 students in this group. Here 20 is an adjective. Number 6 is the air in the hills is purer than in the city. अब इसमें purer क्या है? Adjective है. Your notebooks are kept on that shelf. अब इसमें that क्या है? Adjective. He is as hardworking as his sister. Hardworking को अंडरलाइन करें, यहाँ पे ये adjective है. David is a dependable person. Dependable is an adjective. Whose books are you reading? Here whose is an adjective. His mangoes are very sweet. Here sweet is an adjective. Miss Pasha is our new teacher. Here new is an adjective. There was some confusion regarding the show timing. Here some is an adjective. The Japanese tea ceremony is a ritual for preparing and serving green tea. Here Japanese and green both are an adjective. Asim won a gold medal at the tournament. Here gold is an adjective. An adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. ठीक है, अब आपको definition की, इसके adjective की definition दी जा रही है। ठीक है, इसको आपने underline भी करना है, highlight कर लें, ठीक है, और इसको याद करना है। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, यानी हमें जो है ये नाउन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड ईदर बिफोर और आफ्टर द नाउन दे डिस्क्राइब। ठीक है, नाउन से पहले भी एडजेक्टिव यूज हो सकता है, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेविड इज अ डिपेंडेबल पर्सन। अब इसमें पर्सन यानी जो हमारे पास नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, रूबा इज वेरी काइंड। अब इसमें रूबा के बाद आफ्टर यानी काइंड जो है वो बाद में यूज हो रहे हैं नाउन के। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बोथ आर हार्ड वर्किंग डांसर्स। अब इसमें भी डांसर से पहले जो है वो हार्ड वर्किंग यूज हो रहा है, मेन नाउन से पहले जो है वो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। रूबाज डांसिंग इज बेटर। अब यहाँ पे रूबाज डांसिंग इज बेटर यानी बाद में एडजेक्टिव जो है वो यूज हो रहा है नाउन के। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की नेक्स्ट पेज पे है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटेटिव मीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का क्या जो है वो फंक्शन होता है, इट डिस्क्राइब्स शेप, साइज, कलर, स्टेट एंड मैनर। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसका जी आंसर हाउ मच एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इसमें हाउ मच या हाउ मेनी क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर किया जाता है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव शोस पोजेशन। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव फाइंड आउट आर आइडेंटिफाई नाउंस। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव
adjective can be used for asking question, usually followed by nouns. Proper adjective is formed from proper nouns, especially names of places. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर पॉइंट्स. दिस टर्म हैज विदस्टूड मेनी फियर्स बैटल. ठीक है, अब इसमें दिस क्या है, दिस को अंडरलाइन करेंगे, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. मेनी को अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. फियर्स को अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. अब आपने देखा है कि एक सेंटेंस में तीन एडजेक्टिव यूज हो गए हैं. ठीक है, तीन डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हो गए हैं. फर्स्ट है दिस, दिस इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सेकंड इज मेनी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड थर्ड इज फियर्स, एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी Which underline कर रही है हमारे पास क्या है, interrogative adjective. The name man will leave the story. Name underline कर रही है, name क्या है हमारे पास, adjective of quality. I am not going to buy these shoes. These is demonstrative adjective. This palace was built in the 19th century. Palace is this को underline करेंगे. This हमारे पास क्या है, demonstrative adjective. पैलेस तो हमारे पास सामने है. नेक्स्ट देखिए, मेनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज. अब इस सेंटेंस में मेनी को अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. पाकिस्तान को अंडरलाइन करें, ये हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव. अमेरिकन क्या है, अमेरिकन इज आल्सो प्रॉपर एडजेक्टिव. सेंटेंस नंबर 9 है, इट वॉज अ ग्लोरियस डे विद अ क्लियर ब्लू स्काई. हियर ग्लोरियस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्लियर ब्लू इज आल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट है नंबर 10, देयर इज लिटिल सेंस इन व्हाट वाज बीइंग सजेस्टेड. हियर अब इस सेंटेंस में देखें, देयर इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Little is quantitative adjective. ठीक है, both are adjectives in this sentence. The first is there is an adjective, demonstrative adjective, and little is a quantitative adjective. ठीक है, next देखिए participles as adjective. The present and past participles of verbs are commonly used as adjectives. For example, I watched an interesting film last night. There was broken glass all over the floor. ठीक है, present participle क्या होता है, verb के साथ जब हम ing लगा देते हैं, यानी verb की fourth form जो होती है, ये हमारे पास present participle होती है. ठीक है, इसको हम present participle कहते हैं. और past participle में क्या होता है, verb की third form जो होती है. ठीक है, verb की third form को हम क्या कहते हैं, past participle कहते हैं. ठीक है, तो हाँ, present participle को या past participle को भी है वो एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14. द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव कैन ऑफन शो एन एक्जिस्टिंग स्टेट और एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. द राइजिंग टेम्परेचर इज मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी. द फायर फाइटर्स सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग. ठीक है, अब इसमें राइजिंग, अब यहाँ पे राइजिंग क्या है, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट इट हैज बीन यूज्ड हियर एज एन एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव. ठीक है, पार्टिसिपल को हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया है. नेक्स्ट देखिए, द फायर फाइटर सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पे राइजिंग और बर्निंग जो है, ये दोनों हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं, लेकिन इनको हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया है.
Next, see the past participles of verb use an adjective can often show an action that is complete. The excited children were quite happy with the decision. The police claim that they have recovered the stolen goods. अब इसमें excited और stolen जो हैं यानी जो past participles हैं वो अपनी third form से ये यहाँ पे as an adjective use हुई है as an verb जब participle use हुई ठीक है as an adjective use किया है हमने इन participles को. Exercise C है fill in the blanks with suitable participles or verbs given in the brackets. ब्रैकेट्स में आपको हिंट वर्ड्स दिए हुए हैं आपने इनको सूटेबल पार्टिसिपल में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है आपको जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करना है. नंबर वन देखिए आई हैव जस्ट रिसीव्ड वेरी डैश बिट ऑफ न्यूज द हिंट वर्ड इज पजल. मैं जस्ट क्रेक जो ऑप्शन है वो बोलूंगी ठीक है मतलब आपने उसको राइट करना है ठीक है. I have just received a very puzzling bit of news. We withdrew the offer because nobody was interested. She has a very engaged way of talking. The burn 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 की जो third form होती है जो past participle होता है उसमें इसको है वो दो तरह से राइट कर सकते हैं. एक होता है burn b u r n e d burn और एक होता है b u r n d burn ठीक है. बोथ विल बी राइट तो आप क्या करेंगे स्लैश लगाएंगे burn भी लिखेंगे और burn भी लिखेंगे ताकि जब भी आप इसको रीड आउट करें ठीक है आप जो है ये याद रहे आपके माइंड में फ्रेश रहे ठीक है. तो burn slash burn t और e d ठीक है. Remains of the paper had all the clues. She has joined a group of performing artists. Everybody felt very annoyed by the things that happened. He felt trapped in a difficult situation. The experts are really worried about the increasing population. That jug on the table has some sparkling water. When the dog ran out, Mohsin had a worried look. ठीक है बच्चों यहाँ तक काफी है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे. इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था ठीक है. आप वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ठीक है और पढ़ के आए हैं. आपने ऐसे करना है कि इसको दोबारा से जो है वो सेकेंड रीडिंग देनी है इसे ठीक है. और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की तो आप उसे पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.